कांग्रेस रे बड़ धरणर सांगठनिक दल बदल। डॉक्टर अजय कुमार होइछंती ओडिशा प्रभारी। आग को साधारण निर्वाचन थिबा बेले ताकु दृष्टि रखी कांग्रेस रा सांगठनिक स्तर रे एक बड़ धरणर अदल बदल करा जायछे। प्रियंका गांधी ठारु उत्तर प्रदेश रा दायित्व प्रत्याहार करी निया जायछे। तांको स्थान रे अविनाश पांडे को दायित्व दिया जायछे। सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ एवं मोहन प्रकाश को बिहार दायित्व दिया जायथिबा बेले सुखजिंदर सिंह रंधवा को राजस्थान रो दायित्व दिया जाए। बिहार दायित्व रे पूर्व थिले ओडिशा रो भक्तचरण दास। सहीपरी जितेंद्र सिंह को आसाम सहित मध्यप्रदेश रो अतिरिक्त दायित्व। प्रियंका गांधी भद्रांक समेत 12 जन नेता को महासचिव प्रभारी नियुक्त करा जाए। केसी वेणुगोपाल को संगठन साधारण संपादक एवं जयराम रमेश जोगाजोग विभाग दायित्व रहिबे। अजय माकेन को दलर कोषाध्यक्ष भाव दायित्व दिया जाइतिबा बेले मिलंद देवरा एवं विजयेंद्र शिलांग को युग्म कोषाध्यक्ष करा जाइछि। अधिक आलोचना करबा पई हम सहित फोन लाइन ने जुड़ी छथि हम प्रतिनिधि शबनम आदिले। शबनम 2024 निर्वाचन पूर्व ये गोटे सांगठनिक अदल बदल कांग्रेस रो सामना को आसुचि। अर्थात आम एया बुझिबा जे 2024 निर्वाचन पई किभली भाबरे दल को प्रस्तुत करा जाय परिबो सेथि पई ए अदल बदल। निश्चित भाव देखो 2024 निर्वाचन पूर्व कांग्रेस ये बड़ धरणर अदल बदल देखा मिलूची। दु दिन धरी सीडब्ल्यूसी बैठक कांग्रेस से बैठक पर गोटे निष्पत्ति आसार प्रभारी बर्तमान बदली चंती प्रभारी भाव डॉक्टर अजय कुमार को नुआ दायित्व मिली सहित अन्य दुईटी तमिलनाडु एवं पुडुचेरी अतिरिक्त दायित्व दि जापटे चेला कुमार को ओडिशा दायित्व रु प्रत्याहार करा जाए। मेघालय मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश रो प्रभारी दायित्व देती दल एवं दल किभली भाव सांगठनिक स्तर रे भल कर कारण 21 तारीख दिन राज्य कांग्रेस बैठक थिला जोटा कि मल्लिकार्जुन खड़गे उपस्थित थिले राहुल गांधी उपस्थित थिले। 2 घंटा रो अधिक समय रो बैठक चलथिला तो विभिन्न स्तर रे विभिन्न समस्त राज्य रे कांग्रेस गोटे नुआ ढांचा तयारी करूची बा प्रभारी मान को परिवर्तन करूची। 12 जन नुआ चेहरा को बा 12 जन जो रही स्टेट बदल दायित्व से दिया जाए। कांग्रेस तृणमूल स्तर में पहुंची किभली सांगठनिक स्थिति को मजबूत कर लोकों पाख को पहुंचे ताकू नहीं कि बड़ धरण अदल बदल रही। एबे प्रश्न उठू कौन जदि पीसीसी बदलू ताल कौन राज्य में कि बड़ धरण परिवर्तन होबार संकेत मिलू कि ये गोटे बड़ प्रश्न रही। जहां सूचना मिलू कांग्रेस अनेक गुड़ी आहरी परिवर्तन हम जोटा कि जनवरी फर्स्ट वीक सुधा सामना को आसो बोली कह तेबे देखा पड़े कांग्रेस जो नुआ प्रभारी नियुक्त होती ओडिशा खास करें फोकस करवा किभली पदक्षेप नौ कारण यह पूर्व जदि आप इतिहास को भी लक्ष्य करेंगे तेल से आईपीएस ऑफिसर थे से सांसद भाव चयन हो लोकसभा को आसी परवर्त समय से सीडब्ल्यूसी मेंबर अनेक गुरुत्वपूर्ण कार्य दायित्व से रही झारखंड प्रभारी थे एभली स्तर से सी ओडिशा रे किभली सांगठनिक स्थिति को स्ट्रंग करिवे लक्ष्य कौन रहा नजर रही आम चेष्टा करूँ तक सहित जोजोग करने कि सहित जोजोग हो पारिना यथाशीघ्र जिते सहित जोजोग हम तो निश्चित भाव आम प्रश्न पचारे किभली भाव कांग्रेस को राज्य स्ट्रंग करे सांगठनिक स्थिति को किभली मजबूत करे कौन किसी परिवर्तन राज्य कांग्रेस आसब कि निहाती भाव शबनम आम आशा करू जे खूब शीघ्र अजय कुमार के ए बाबद प्रतिक्रिया सामना को आसू जितेबाला ओडिशार दायित्व तरह न्यस्त कर राज्य में ओडिशार स्थिति कौन ता समस्त को जना और जितेबाला नुआ दायित्व अजय कुमार को मिलू से कौन रणनीति प्रस्तुत करापर नजर रहा। अधिक आलोचना करने अजय कुमार वर्तमान आम सहित तो फोन लाइन में सीधासलख जोड़े जाते। अजय जी पहले तो आपका स्वागत है न्यूज 7 में। पहला रिएक्शन क्या रहेगा ओडिशा का दायित्व आपको मिला है? नहीं, बहुत ही सुंदर प्रदेश है जी, बहुत ही ऐतिहासिक प्रदेश है, बहुत अच्छे लोग है। मैं तो झारखण्ड का हूँ तो हमारे बगल में ही है और ओडिशा हमेशा कांग्रेस के पक्ष में है। ओडिशा पहले तो कांग्रेस स्टेट है, ओडिशा के आम जनता जो ज्यादा लोग जो है वो प्रो
प्रोग्रेसिव हैं, से अच्छे लोग हैं जी। और कांग्रेस का हमेशा पहले, कांग्रेस का तो पहले तो बहुत अच्छा सपोर्ट हमेशा रहा है, अब कुछ समय से थोड़ा सा घट गया होगा, लेकिन उसको वापस जिस तरह से मुझे लगता है कि अब बीजेडी से लोग काफी परेशान हैं, और बीजेपी और बीजेडी में कोई अंतर नहीं है जी, क्योंकि बीजेडी बीजेपी को पूरी तरह से लोकसभा और राज्यसभा में सपोर्ट करते हैं, तो हमें तो नहीं लगता है। तो ओडिशा तो में क्या खास ओडिशा के लिए प्लानिंग है? देखिए, हम लोग को जो स्टेट जीतना है, मुझे लगता है कि जिस तरह से जिस तरह के जो बीजेडी में वर्तमान लीडरशिप है या बीजेपी में है, उसमें तो कांग्रेस के लीडर्स बहुत अच्छे हैं, शरद चंद्र जी तो है ही, पटनायक साहब के अलावा ये भक्ता चरण जी, बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स हैं हमारे, हर समाज के लीडर्स हैं, उड़ीसा के लीडर्स, कांग्रेस के जो लीडर्स है अच्छे हैं, सिंपल हैं, ईमानदार हैं, मुझे लगता है कि, और जो पुराने जो कांग्रेस में थे जो चले गए, मुझे लगता है कि अब सबको वापस आने की जरूरत है। अब मैं तो आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि कोई कारण से कोई नाराज होके चले गए तो वो वापस आ जाए, हम उनको जो है खुले दिल और खुले खुले तरीके से उनके स्वागत करेंगे। हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे पुराने साथी हैं और जो भी लोग हैं जो पार्टी में पहले थे वो वापस आ जाएं और कांग्रेस को मजबूत करें ताकि ओडिशा को एक अच्छा सरकार हम दे पाएं। अजय जी, कांग्रेस को मजबूत तो ओडिशा में करने के लिए आपको क्या लगता है, क्या स्पेशल प्लान करना चाहिए? क्योंकि अगर आप ओडिशा के पूरा पॉलिटिकल सिचुएशन बा सिनारियों को देखेंगे तो कांग्रेस का सिचुएशन ओडिशा में ज्यादा कुछ खास नहीं है, तो क्या स्पेशल प्लान है? देखिए, तेलंगाना में भी लोग बोलते थे कि कांग्रेस थर्ड है, तेलंगाना में हमने सरकार बना दी, आप देखते रहिए, लोग का जो है, नवीन पटनायक जी की एज भी बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत सारे शिकायतें आ रही है, बीजेपी मुझे नहीं लगता है कि ऑल्टरनेटिव अब रह गया है। आपको क्यों ऐसा लगता है अजय जी? आप ही बताइए ना कि जिस तरह से सरकार चल रही है जी, हाँ, जिस तरह से सरकार चल रही है, बीजेपी और बीजेपी में क्या अंतर है, आप ही बताइए। नहीं नहीं, बीजेपी और बीजेडी में कोई अंतर है क्या? वो दिल्ली में तो बीजेपी और बीजेडी एक ही साथ है जी। ये तो आपका नजरिया है, लेकिन लोगों को पास आप कैसे जाएंगे, वही तो सवाल है ना। अभी अगर हम ओडिशा के सिनारो देखेंगे तो आपको क्या लगता है, क्या मुद्दा, क्या प्रसंग आप लेके जाएंगे जो वोट में कन्वर्ट होगा? देखिए, अभी तो 2 घंटे पहले चार्ज मिला है जी जी। हाँ, कोई अगर हम बताने लगेंगे तो हम तो, मेरे तो इतना बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं सब चीज जानता हूँ कि कैसे करना है क्या करना है, जब तक हम सबसे बात नहीं करेंगे और टीवी चैनल में हम अपना जो है कैसे हम जो ठीक है अजय जी, तो बातचीत कब शुरू करेंगे? कल परसों से ही शुरू कर लेंगे, नागपुर में हमारा जो है एक कांग्रेस फाउंडेशन जो एक कार्यक्रम, उसके बाद तुरंत हम ओडिशा आएंगे, फिर ओडिशा में रहेंगे जी। आपको लगता है कि अजय जी, लास्ट रिएक्शन लेने चाहेंगे, ओडिशा में कुछ बदलाव लाएंगे कांग्रेस में खास करके? देखिए, ओडिशा में टीम अच्छे हैं, लीडर्स अच्छे हैं जी, हम सिर्फ अपने को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है और मुझे पूरा विश्वास है कि बदलाव होगा। ठीक है, बदलाव होगा, आप देख लीजिए। मैं तो अभी तेलंगाना चुनाव करके आया हूँ, मुझे मालूम है कि बदलाव है। मैं तो जमशेदपुर का हूँ, तो हमारे तीनों तरफ ओडिशा है हमारा लोकसभा क्षेत्र। अजय जी, तेलंगाना में जो फैक्टर काम किया वो ओडिशा में काम करेगा? पता नहीं मैडम, देखिए एक चीज मैं बार बार कह रहा हूँ कि मुझे तो चार्ज 2 घंटे पहले मिला, मैं कैसे आपको सब चीज बताऊँ, मुझे भी पहले तो मुझे जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी ना। ठीक है ठीक है, हम ये भी चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आप ओडिशा के बारे में जाने और इसको आगे लेकर किस तरह ओडिशा की पॉलिटिक्स में आपका कांग्रेस की, एक तरफ से हम ये कह सकते हैं कि आपके लिए आगामी दिन में एक चैलेंज रहेगा, कुछ भी हाँ, आपको लगता है? नहीं, चैलेंज तो हर चीज चैलेंज है, तेलंगाना भी चैलेंज था, मणिपुर, त्रिपुरा भी, हर जगह चैलेंज है, चैलेंज है, और लेकिन ओडिशा एक ऐतिहासिक प्रदेश है जी, एंड क्योंकि ओडिशा मेरे लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के बॉर्डर में, मेरा घर जमशेदपुर में है जी जी जी, तो ओडिशा के और हमारे लोकसभा क्षेत्र में ओडिशा भाषी लोग बहुत ज्यादा हैं, तो ओडिशा इज अ वेरी गुड स्टेट,
बहुत बढ़िया स्टेट है, लोग अच्छे हैं, सॉफ्ट स्पोकन है। मुझे खुशी है कि इतना अच्छा प्रदेश का जो है प्रभारी हमको बनाया गया। और क्या आदमी को तो आई मीन एक अच्छा स्टेट का प्रभारी मिल गया तो उससे खुशी की और उससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। ठीक है, ऑल द बेस्ट अजय जी, आपके जो नया आपको दायित्व मिला है हम आशा करेंगे आप उसको अच्छे से निभाएंगे। ये रही थे अजय कुमार जांकू पीसीसी प्रभारी रा दायित्व ओडिशा तरफ दि जाइए जो भाव में प्रतिक्रिया रखुते से वर्तमान समय तो दायित्व मिली किंतु से खूब शीघ्र ओडिशा आसवे ओडिशा जो मैंने कांग्रेस तुंग नेता रही सहित आलोचना करेंगे किंतु से बहुत खुशी व्यक्त करशार दायित्व मिली। अजय कुमार जने पूर्वतन आईपीएस अधिकारी ओडिशा समेत पुडुचेरी सहित तमिलनाडुर दायित्व दिखाई से 15वें लोकसभा झारखंड विकास मोर्चा टिकेट्रु जामशेदपुर सांसद निर्वाचित होते 2014 में कांग्रेस में जोगद तेज 2019 से कांग्रेस छाड़ आम आदमी पार्टी में भी जोगद 2020 से पुणि थे कांग्रेस को फेरी।